डिग्री किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। क्या करना पहले देखो भाई, बताया था कि आप 60 डिग्री, डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना होगा तो क्या करना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना। 60 डिग्री दे रखा है, क्या करना, पाई अपॉन 180 डिग्री, ठीक है। 180 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, कितना आ गया ये पाई अपॉन 3 रेडियन, ये रेडियन आ गया। डिग्री किसमें चेंज करना है, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या कर दिए, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया पाई अपॉन 3 आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखना, ये बोल दिया कितना 90 डिग्री पे चेंज करो, 90 डिग्री किसमें चेंज करना है, रेडियन में। तो क्या करना देखो, 90 डिग्री और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री। अब देखो 92 जा 18, कितना आ गया ये पाई अपॉन 2 रेडियन, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखना, अगर यही क्वेश्चन बोला क्या करने के लिए, पाई अपॉन 2, इसे बोला क्या डिग्री में चेंज करो, डिग्री में चेंज करो, क्या करना देखो पाई अपॉन 2 डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना, 180 डिग्री अपॉन पाई, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे देखो पाई अपॉन 2 जाएगा, क्वेश्चन डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 0 कितना आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। देखो 90 डिग्री आ गया ना, यहां पे क्या था, 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करा पाई अपॉन 2 था, पाई अपॉन 2 को जब चेंज किया डिग्री में कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। नोट कर लो इसे,